हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस होंगे आपके जिम्नोस्पर्म्स से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। पीछे भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अलग अलग टॉपिक्स के। आज हमारा टॉपिक होगा जिम्नोस्पर्म। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज। तो इसमें हमको स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म बताना है। तो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, इसका राइट आंसर होगा सी। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म ज़ेमिया पिग्मिया है। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म ज़ेमिया पिग्मिया। और अगर यहीं पे लार्जेस्ट या टॉलेस्ट पूछ दे तो वो आपका हो जाएगा सिकोया। ठीक है, QUOIA, सिकोया। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म ज़ेमिया पिग्मिया और टॉलेस्ट या लार्जेस्ट पूछे तो वो सिकोया, जिसको रेडवुड ट्री भी बोलते हैं, वो आगे आएगा अभी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर होगा ज़ेमिया पिग्मिया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर टू, आर्चिगोनिया आर एब्सेंट इन। तो आर्चिगोनिया क्या है? आर्चिगोनियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा उसको हम लोग आर्चिगोनियम बोलते हैं। तो जो हायर जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें आर्चिगोनिया एब्सेंट होता है। तो हायर जिम्नोस्पर्म में इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ए, नीटम। ठीक है, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म, लोअर जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया होता है, आर्चिगोनियम होता है, लेकिन नीटम में आर्चिगोनियम एब्सेंट होता है, आर्चिगोनियम आपको नहीं दिखेगा। ये हायर जिम्नोस्पर्म्स है। तो आर्चिगोनिया एब्सेंट मीन्स नीटम। तो क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर ए। अगला है आपका, लार्जेस्ट मेल गैमिट्स आर फाउंड इन। लार्जेस्ट मेल गैमिट्स, क्वेश्चन नंबर थ्री आपका लार्जेस्ट मेल गैमिट। तो देखिए लार्जेस्ट मेल गैमिट, इसका आंसर होगा राइट आंसर डी, साइकस। लार्जेस्ट मेल गैमिट आपको साइकस में दिखेगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है। अगर लार्जेस्ट मल्टी फ्लैजिलेटेड स्पर्म आ जाए या एग आ जाए, लार्जेस्ट एग या ओव्यूल आ जाए, तो इन सब का जो आंसर होगा वो साइकस ही होगा। लार्जेस्ट मल्टी फ्लैजिलेटेड स्पर्म या लार्जेस्ट मेल गैमेट या लार्जेस्ट एग या लार्जेस्ट ओव्यूल, ये कैसा भी क्वेश्चन आए उन सारे का आंसर होगा साइकस। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर है डी, साइकस। लार्जेस्ट मेल गैमेट आपको कहाँ दिखेगा? साइकस में दिखेगा। बाकी इसमें अदर में लार्जेस्ट एग, लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट मल्टी फ्लैजिलेटेड स्पर्म, ये भी आपको साइकस में ही दिखेगा। नेक्स्ट है, कोरल वायर्ड रूट्स आर फाउंड इन। ओके, कोरल वायर्ड रूट्स इनमें से किस में पाया जाता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का सी। इसका आंसर क्या होगा? सी, साइकस। कोरल वायर्ड रूट्स जो होते हैं वो साइकस में मिलते हैं। इनमें क्या होता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबिना हो गया, नॉस्टॉक हो गया, ये क्या करते हैं? इनमें कॉलोनी बना के रहते हैं। इनके रूट्स में जो कोरल वायर्ड रूट्स होते हैं इनमें एनाबिना या नॉस्टॉक जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये कॉलोनी बना के रहते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर, कोरल वायर्ड रूट्स इनमें पाया जाता है तो साइकस में। और ये होता क्या है इसमें? तो इस रूट्स में ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबिना या नॉस्टॉक ये कॉलोनी बना के रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। प्लस ये जो रूट्स होते हैं वो एपोजियोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, एपोजियोट्रॉपिक, ये अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। जैसे नॉर्मली जो रूट्स होते हैं वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जाते हैं नीचे की ओर, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, इसलिए इनको एपोजियोग्राफी बोलते हैं, एपोजियोट्रॉपिक बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर फाइव, डिप्लोजाइलिक। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। तो डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? तो डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल यानी ऐसा वेस्कुलर बंडल जहां पे कि दो टाइप के जाइलम होंगे। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ जाइलम, जाइलम दो टाइप के होंगे। एक आपका होगा सेंट्रीपिटल, एक होगा आपका सेंट्रीपिटल जो कि सेंटर की तरफ होगा, सेंट्रीपिटल। दूसरा होगा सेंट्रीफ्यूगल,
जो सेंट्रीपिटल होगा वो सेंटर की तरफ होगा और जो सेंट्रीफ्यूगल होगा वो बाहर की तरफ होगा, आउटसाइड में होगा। तो डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन किसमें होता है, तो ये साइकस, लीफ प्लेट ऑफ साइकस, साइकस का जो लीफ प्लेट होता है, लीफ प्लेट जो होता है साइकस का, उसमें डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल होता है, पाया जाता है। और डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल जो होते हैं इनमें दो टाइप का जाइलम होता है, टू टाइप्स ऑफ जाइलम्स होते हैं, एक सेंट्रीपिटल होता है जो सेंटर की तरफ होता है और एक आपका सेंट्रीफ्यूगल होता है जो आउटसाइड में होता है, पेरिफेरी साइड में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6, विंग्ड पॉलन ग्रेन। विंग्ड पॉलन ग्रेन यानी ये पॉलन ग्रेन जिनमें की विंग पंख की तरह स्ट्रक्चर हो, तो वो कौन प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर है पाइनस। विंग्ड पॉलन ग्रेन जो होता है वो पाइनस प्रोड्यूस करता है, विंग्ड पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस बाई पाइनस। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7, सीड ऑफ पाइनस इज, पाइनस का जो सीड होता है वो क्या होता है, मोनोकॉटलेडनस होता है, डाइकॉटलेडनस, पॉलीकॉटलेडनस या एकॉटलेडनस। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका राइट आंसर होगा बी, पॉलीकॉटलेडनस। पाइनस का जो सीड होता है उसमें बहुत सारे कॉटलेडन्स होते हैं, 14 तक के, 14 तक कॉटलेडन्स हो जाते हैं, तो इसलिए जो सीड होता है पाइनस का वो पॉलीकॉटलेडनस होता है। और एक चीज और इसमें याद रखिएगा, पाइनस में, पाइनस जो होता है इसमें क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी दिखाई देता है, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, ये पाइनस होता है वो क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी शो करता है और इसमें जो सीड होते हैं वो पॉलीकॉटलेडनस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, मेडन हेयर ट्री इज नेम गिवन टू, यानी ये जो मेडन हेयर ट्री है ये किसको बोला जाता है, इसको कॉमनली हम लोग मेडन हेयर ट्री बोलते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 इसका राइट आंसर है सी, जिंगो। जिंगो ठीक है, जिंगो बाइलोबा, जिंगो बाइलोबा जो होता है उसको मेडन हेयर ट्री भी बोलते हैं और इसको लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। जिंगो को, जिंगो बाइलोबा लिविंग फॉसिल, इसको लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है। तो जिंगो बाइलोबा ये आपका, इसको लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं और मेडन हेयर ट्री भी बोलते हैं, जिंगो बाइलोबा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9, तो ये तो सिंपल है एकदम। क्वेश्चन नंबर 9, प्लांट बॉडी से स्पोरोफाइट इन, प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट किसमें होता है, तो एडोफाइट में और जिम्नोस्पर्म में, एडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, राइट आंसर होगा सी, एडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इनमें जो प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, बाकी एल्गी में, ब्रायोफाइट में, इनमें जो प्लांट बॉडी होता है वो गैमेटोफिटिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, द वुड ऑफ पाइनस, पाइनस में जो लकड़ी होती है, वुड होता है वो कैसा होता है, तो वुड ऑफ पाइनस, तो पी से पाइनस, पी से पिक्नोजाइलिक, पाइनस में जो वुड होता है वो पिक्नोजाइलिक वुड होता है। पिक्नोजाइलिक वुड जो होता है ये आपका कॉम्पैक्ट एंड स्ट्रांग वुड होता है, कॉम्पैक्ट, इसमें जाइलम जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं, कॉम्पैक्ट एंड स्ट्रांग वुड होता है। ठीक है, इसमें पिथ और कॉर्टेक्स का स्मॉल अमाउंट होता है, पिथ और कॉर्टेक्स जो होते हैं इनकी जो अमाउंट होती है वो कम होती है। और दूसरा आपका एक अदर ऑप्शन में है मैनोजाइलिक, तो मैनोजाइलिक जो वुड होता है ये आपको दिखता है, मैनोजाइलिक वुड ये आपको साइकस में मिलेगा। ठीक है, जस्ट उसी का अपोजिट होता है, साइकस में आपको मैनोजाइलिक वुड मिलेगा, ये लेस कॉम्पैक्ट होता है, वीक होता है और इसमें पिथ और कॉर्टेक्स का अमाउंट ज्यादा होता है। तो पाइनस में जो वुड होता है वो पिक्नोजाइलिक होता है, वो कॉम्पैक्ट और स्ट्रांग होता है, पिथ और कॉर्टेक्स का जो अमाउंट होता है वो कम होता है। मैनोजाइलिक जो वुड होता है वो साइकस में दिखेगा और ये लेस कॉम्पैक्ट होता है, इसमें पिथ और कॉर्टेक्स का अमाउंट ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका राइट आंसर है बी, पिक्नोजाइलिक, पाइनस में पिक्नोजाइलिक वुड होता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स आर फाउंड, इनमें किसमें वेसल्स पाया जाता है। तो देखिए, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं और जिम्नोस्पर्म होते हैं, इनका जो जाइलम होता है उसमें जाइलम वेसल्स एब्सेंट होते हैं, तो लाइकोपोडिया, मेडिएंटम, एफेड्रा, साइकस, ये सब क्या है, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म है, तो इनमें तो वेसल्स नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इनमें से कोई एक है जिसमें कि जिम्नोस्पर्म, जिसमें कि वेसल्स प्रेजेंट होता है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो इफेड्रा। ठीक है, इफेड्रा जो है इसमें वेसल्स दिखाई पड़ते हैं। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स आर
पाउंड तो इफेड्रा, इफेड्रा में वेसल्स होते हैं, बाकी सब में वेसल्स नहीं, जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होता है, लेकिन इफेड्रा में, इफेड्रा के जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका है तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इफेड्रा। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट मेडिसिनली इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म, तो ये है आपका इफेड्रा। क्वेश्चन 12 का, इससे एक मेडिसिन बनता है इफेड्रीन, तो खांसी जुकाम, सर्दी जुकाम, खांसी वगैरह में, कफ में इसका यूज किया जाता है इफेड्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 12, मेडिसिनली इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म, तो इफेड्रा, जिससे कि हम लोग एक मेडिसिन बनाते हैं इफेड्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 12 है डी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13, जिम्नोस्पर्म्स आर नेकेड सीडेड बिकॉज दे लैक, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो नेकेड सीडेड होते हैं, मतलब जो सीड होता है वो नेकेड होता है, उनके ऊपर में फ्रूट नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता है, हम लोग जानते हैं कि एंजियोस्पर्म में आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, जो ओवरी होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, अगर ओवरी ना रहे तो जो सीड बनेगा उसके ऊपर फ्रूट नहीं लगेगा या नहीं होगा, तो उसको हम लोग नेकेड सीडेड बोल देंगे या नेकेड सीड। तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो नेकेड सीडेड होते हैं, यानी इनके सीड के ऊपर में फ्रूट नहीं लगता है, फ्रूट नहीं लगता है इसका मतलब कि यहाँ पे क्या नहीं होगा, ओवरी नहीं होगा, तो दे लैक ओवरी। क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर होगा सी, ओवरी, जिम्नोस्पर्म्स में ओवरी नहीं होता है, जिस कारण से जो सीड होते हैं उनके ऊपर फ्रूट नहीं लगता है, इसलिए उनको नेकेड सीडेड बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर हैज ओनली फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स, मतलब इनमें से कौन सा ऑर्डर है जिसमें कि केवल फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म है, फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है साइकेडोफिलिकेल्स, सी, साइकेडोफिलिकेल्स जो होते हैं इनमें सारे के सारे फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म मिलते हैं या होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15, तो द एल्ब्यूमिनस सेल्स ऑकर इन, एल्ब्यूमिनस सेल्स कहाँ पे होते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स में, वेसल्स ऑफ डाइकॉट, मोनोकॉट्स और जिम्नोस्पर्म। तो क्वेश्चन नंबर 15, एल्ब्यूमिनस सेल्स आपको कहाँ पे दिखते हैं, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। ये जो एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं ये एसोसिएटेड होते हैं सीव सेल से, ठीक है, जो एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं वो सीव सेल से एसोसिएटेड होते हैं, और इनका काम ऐसा ही होता है जैसे कंपेनियन सेल्स करते हैं, ठीक है। एल्ब्यूमिनस सेल्स जो होते हैं उनका जो फंक्शन होता है वो कंपेनियन सेल्स की तरह ही होता है, और ये किससे, तो एल्ब्यूमिनस सेल्स एसोसिएटेड मिलते हैं, किससे एसोसिएटेड मिलते हैं, तो ये आपके सीव सेल्स, एल्ब्यूमिनस सेल्स आर एसोसिएटेड विथ सीव सेल्स एंड परफॉर्म द फंक्शन लाइक कंपेनियन सेल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा डी, जिम्नोस्पर्म में ये दिख मिलते हैं, एब्यूनल सेल्स जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16, एनाटॉमी ऑफ पाइनस नीडल रिफ्लेक्ट द फीचर्स ऑफ, द एनाटॉमी ऑफ पाइनस नीडल रिफ्लेक्ट द फीचर ऑफ, जो पाइनस होता है इसके जो लीव्स होते हैं नीडल की तरह होते हैं, ठीक है, हाँ, पाइनस नीडल ये जो लीफ होते हैं वो नीडल की तरह ही होते हैं, तो ये कौन सा कैरेक्टर शो करते हैं, तो जीरोफिटिक, वाटर लॉस को रोकने के लिए, कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए पाइनस के जो लीव्स होते हैं वो निडिल शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो पाइनस निडिल, एनाटॉमी ऑफ पाइनस निडिल रिफ्लेक्ट्स द फीचर ऑफ द जीरोफाइट, ये जीरोफिटिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बी, जीरोफाइट। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 17, द ओव्यूल ऑफ पाइनस इज, पाइनस का जो ओव्यूल होता है वो क्या होता है, एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, असिनोट्रोपस, पीछे हम लोग जब मॉर्फोलॉजी का क्लास पढ़े थे उसमें ये सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देखे थे। तो जो पाइनस होता है, पाइनस में जो ओव्यूल होता है वो एनाट्रोपस होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा एनाट्रोपस, द ओव्यूल ऑफ पाइनस, पाइनस में जो ओव्यूल होता है वो कैसा होता है, एनाट्रोपस होता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन, ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड,
ये आप याद रखिएगा, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ए, रैकिस ऑफ साइकस। साइकस का जो रैकिस होता है उसमें आपको ओमेगा शेप्ड, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल दिखाई देगा। वैसे जो वेस्कुलर बंडल होता है वो कॉन्ज्वाइंट, कोलेटरल और ओपन होता है। कंज्वाइंट होगा, कोलेटरल होगा और ओपन। ओपन है इसका मतलब कि इसमें कैम्बियम दिखेगा। तो इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन रैकिस ऑफ साइकस, और होता कैसा है, कंज्वाइंट, कोलेटरल एंड ओपन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट आपका है 19, सैगो ग्रेन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। सैगो जो एक टाइप का स्टार्च है, ठीक है, ये क्या है, एक टाइप का सैगो जो है वो एक टाइप का स्टार्च है। इसको कहाँ से निकालते हैं, तो साइकस। सैगो जो होता है या सैगो ग्रेन जो होता है वो एक तरीके का स्टार्च है, जिसको हम लोग किससे ऑब्टेन करते हैं, तो साइकस से ऑब्टेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20, चिलगोजा। चिलगोजा जो है वो सीड होता है, किसका सीड होता है, तो पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस जिरार्डियाना का। क्वेश्चन नंबर 20, चिलगोजा जो होता है वो पाइनस जिरार्डियाना का सीड होता है, वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। तो चिलगोजा हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो पाइनस जिरार्डियाना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा बी, पाइनस जिरार्डियाना, हाईली न्यूट्रिशियस होता है चिलगोजा। नेक्स्ट आपका है, पहले क्वेश्चन में भी आया था रेडवुड ट्री, रेडवुड ट्री तो सिकोया। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सिकोया। रेडवुड ट्री भी इसको बोलते हैं, सिकोया को रेडवुड ट्री बोलते हैं। ये टॉलेस्ट प्लांट है या टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 22, पॉलिनेशन इन पाइनस। तो पाइनस में पॉलिनेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एंथर फ्रॉम सॉरी ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन का जो ट्रांसफर होता है उसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पाइनस में पॉलिनेशन कैसे होता है, तो एनिमोफिलस, ठीक है, एनिमोफिलस एयर के थ्रू। और लगभग सभी जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है वो एनिमोफिलस ही होता है, हवा के थ्रू या एयर के थ्रू इनमें पॉलिनेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एनिमोफिलस। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 23, इन पाइनस रूट शेप ऑफ जाइलम। पाइनस के रूट में जाइलम होता है, उसका शेप कैसा होता है, तो इस क्वेश्चन नंबर 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वाई शेप्ड। पाइनस के रूट में जाइलम वाई शेप पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 24, इफ द रूट ऑफ पाइनस हैज 24 क्रोमोसोम्स, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म। तो पाइनस या जिम्नोस्पर्म इसमें 2n हो जाएगा आपका 24, और जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लोइड होता है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म क्या होता है, हैप्लोइड होता है। तो इसका आधा हो जाएगा, 2n 24 है तो n हो जाएगा 12। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, इफ रूट ऑफ माइनस एस 24 क्रोमोसोम्स, तो एंडोस्पर्म जो होंगे उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, तो 12 होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 इसका राइट आंसर होगा सी, 12, माइनस 2n 24, और क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होते हैं वो हैप्लोइड होते हैं, तो एन हो जाएगा उसका आधा, 2n का आधा एन 12। नेक्स्ट आपका है 25, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म का। डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो एंजियोस्पर्म में दिखता है, लेकिन हायर जिम्नोस्पर्म जो है उनमें भी कहीं कहीं पे डबल फर्टिलाइजेशन दिखाई देता है। तो हायर जिम्नोस्पर्म है आपका नीटम, तो डबल फर्टिलाइजेशन और कहाँ दिखेगा आपको, नीटम में दिखेगा। तो
डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में दिखाई देता है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के भी कुछ स्पीसीज या जेनरा है जिनमें कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो किस में हो जाएगा, तो नीटम। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर भी होगा कि किस में डबल फर्टिलाइजेशन दिखेगा, तो वो होगा आपका नीटम। ठीक है, तो ये रहा जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड 25 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।